हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखिएगा, सैमसंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें स्पिन नहीं हो रहा है और पानी ड्रेन नहीं हो रहा है, और मशीन कुछ देर बाद चलने के बाद 5C एरर आ जा रहा है। ये देखिए, ये 5C एरर आ जा रहा है। तो ये ड्रेन लाइन ब्लॉक के कारण होता है और ड्रेन पंप ख़राब होने के कारण होता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हम लोग ड्रेन लाइन चेक कर रहे हैं कि ड्रेन लाइन ब्लॉक है कि क्या है। तो ये पानी भरा हुआ है, तो वो पानी निकाल रहे हम लोग बाहर। ये देखिए, ये पानी बाहर निकल रहा है। तो ये ड्रेन लाइन हम लोग पूरा खोलते हैं। ये देखिए, ये कितना ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक के कारण ये ड्रेन पंप ख़राब हो जाता है और 5C एरर आ जाता है। तो इसको हम लोग हर महीना साफ़ करते हैं। ड्रेन लाइन साफ़ कीजिएगा तो ये 5C एरर नहीं आएगा और ड्रेन पंप ख़राब नहीं होगा। तो ये हम लोग साफ़ कर दिए, और कपड़ा निकाल के हम लोग चला के चेक करते कि 5C एरर आ रहा है। तो मशीन चलाने के बाद भी 5C एरर आ रहा है। तो अब हम लोग चलिए ड्रेन पंप चेक करेंगे या ड्रेन मोटर चेक करते हैं। तो ये हम लोग नीचे लेटा दिए और ये नीचे रहता है ड्रेन पंप। तो ड्रेन पंप को हम लोग खोलेंगे और चेक करते हैं। ये ड्रेन पंप है, तो ये इसमें 3 स्क्रू लगा हुआ रहता है। तो तीनों स्क्रू को हम लोग खोल लेते हैं। एक स्क्रू खुल गया, ये दूसरा है, दूसरा भी खुल गया, ये तीसरा पीछे साइड की ओर रहता है। तो ये भी स्क्रू खुल गया। तो ये देखिए, ये ड्रेन पंप मोटर है। तो इसका वायरिंग हम लोग खोलते हैं। तो मोटर पूरा गर्म हो गया है और इसका हम लोग जैक निकाल रहे हैं। तो इसमें जैक को खोल रहे हैं। तो ये जैक में क्लाइमीटर से चेक कीजिएगा तो इसमें 220 वोल्ट आ रहा है। तो ये मोटर से फॉल्ट है, ड्रेन मोटर से फॉल्ट है। और 220 वोल्ट नहीं आ रहा तो पीसीबी से फॉल्ट होता है। तो हम लोग चेक कर चुके हैं। तो ये हम लोग का मोटर, ड्रेन मोटर ख़राब है, ड्रेन पंप। तो ये हम लोग नया पंप लगा रहे हैं। देखिए, ये ओरिजिनल सैमसंग का है। तो ये हम लोग नया लगा रहे हैं। तो इसको चलिए फिट करते हैं। लॉक में रहता है तो ये लॉक में फंस जाएगा, और स्क्रू से हम लोग आराम से फुल टाइट कर देंगे इसको। ये बैठ जाएगा तो स्क्रू से हम लोग टाइट कर रहे हैं। तो ये एक स्क्रू टाइट हो गया और जैक को भी हम लोग लगा लेते हैं। तो ये जैक लग गया। अब और जो स्क्रू है उसको भी हम लोग टाइट कर लेंगे। ये भी स्क्रू टाइट हो गया, और एक बचा हुआ है पीछे की ओर, तो उसको भी हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो ये भी टाइट हो गया, और चारों तरफ घुमा के टाइट कर लेंगे अच्छा से। तो ये भी राइट गार्ड है, तो इसको भी हम लोग टाइट कर लेंगे। अब चलिए ऑन करके चेक करते हैं। तो ये अभी हम लोग ऑन कर दिए। तो ये देखिए, ये ड्रेन पंप मोटर चल रहा है। अब इसको हम लोग फिट कर लेते हैं। ये ड्रम भी घूम रहा है, अब पानी भी ले रहा है, तो यानी ये सही हो गया, पानी भी ले रहा है। और ये घूम भी रहा है। अब चलिए हम लोग स्पिन करके देखते हैं पानी निकल रहा है कि नहीं। तो स्पिन में हम लोग लगा दिए, ऑन भी कर दिए, तो ये पानी निकल रहा है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टिपिए और